नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियोज से मैं हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरेंद्र हैं और निफ्टी इस समय 8550 इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश करते हुए दो बड़े जो ट्रिगर्स थे वो प्ले आउट हो चुके हैं मार्केट में एंड नॉट सो पॉजिटिवली। अब तीसरा बड़ा ट्रिगर आज मार्केट बंद होने के बाद है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे। लेकिन इन्फोसिस के नंबर्स आने के बाद बाजार ने एक बार के लिए तो रुख पलटा अपना, पूरे आईटी स्पेस ने भी पलटा और उसके बाद फिर से रिकवरी देने की कोशिश की। अब तक क्या हुआ है ट्रेड में ये बताइए वीरेंद्र। बिल्कुल मेरे, अगर आप देखें एक वो सेक्टर जिसने तीन महीने से बाजार को काफी परेशान किया, निराश किया, वो था आईटी। और यकीन मानिए इसका अर्निंग सीजन भी बहुत अच्छे नोट पर स्टार्ट नहीं हुआ। टीसीएस और उसके बाद इन्फोसिस, आज एक समय ऐसा लग रहा था कि ये स्टॉक गिरे रुकेगा ही नहीं, ऑलमोस्ट 110 रुपये नीचे था स्टॉक निचले सौ से, लेकिन इसके बावजूद बाजार पुल बैक लेने में सक्षम रहा। क्यों? 8500 का जो पुट राइटर था उसका कॉन्फिडेंस शेक नहीं हुआ, मार्केट्स ने लोअर लेवल से पुल बैक लिया। लेकिन आज इन्फोसिस ने गाइडेंस घटाकर पूरे के पूरे आईटी के इस बार के प्राइस परफॉर्मेंस पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो आई थिंक आईटी को लेकर बाजार का सेंटीमेंट थोड़ा सा अगर आप देखें खराब हो गया है। आईटी के बाद तीसरी चीज जिस पर मैं फोकस करूंगा वो है एग्जैक्टली निफ्टी बैंक। 10 अगस्त 2015 के बाद पहली बार इसने कैपिटलाइज किया, 19,000 के ऊपर निकला, लेकिन आई थिंक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक बार फिर से पीएसयू बैंक बास्केट रहा। चौथे पायदान पे जिस चीज को देखूंगा वो है जीएसटी पर। अभी तक सहमति नहीं बनी, लेकिन शायद वित्त मंत्री की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके वर्ड्स देखें, उनकी स्पीच देखें, उनके शायद जो कमेंट्स उसको देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। तो बाजार अब तक जो अपना ऑप्टिज्म है जो लॉजिस्टिक्स शेयरों को लेकर उसको छोड़ने गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस सेक्टर पर फोकस करेंगे वो है ऑटो, होटल्स और प्लाईवुड शेयरों में जोरदार तेजी। लेकिन सबसे क्रिटिकल फैक्टर रहेगा आप 8600 के कितना दूर या फिर उसके कितना ऊपर बंद हो सकते हैं, और इन्फोसिस और रिलायंस दो स्टॉक्स इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाएंगे। मिहिर, बिल्कुल कुछ एक स्टॉक्स ऑब्वियसली इन्फोसिस 8.5% नीचे, TCS 3% नीचे, लेकिन टाटा स्टील आउट परफॉर्म करते हुए 4% ऊपर। देन देयर इज HDFC जो कि 1.5% ऊपर है। इसने इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी दी है जब से 3,000 करोड़ का मसाला बॉन्ड उन्होंने इशू किया जो कि काफ़ी ओवर सब्सक्राइब हुआ। उसके बाद टाटा मोटर्स है जो कि करीब 2% ऊपर है। बाकी काउंटर्स में ताज जीवी के, विमटा लैब्स, आर्केट प्लाई, ग्रीन प्लाई और फोर्टिस हेल्थ केयर, ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही जिन स्टॉक्स से मैं बात करूँगा जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए उसमें आप देखिए HDFC बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस, M&M का स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग, एक बार फिर से अगर आप देखें 1500 के क्रिटिकल लेवल के बेहद नज़दीक। और उसके बाद HUL टाइटन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ 6.40 रुपये ऊपर इस वक्त। उसके बाद सेकंड स्लाइड पर ये प्लीज एग्जैक्टली अगर आप देखें किन स्टॉक्स पे तेजी है उसमें विजया बैंक, द मिडकैप बैंकिंग बास्केट प्रीकॉल ऑलमोस्ट 100 के साइकोलॉजिकल लेवल को चेस करता हुआ, भारत फाइनेंशियल्स। उसके बाद भी लॉजिस्टिक्स बैकफुट पे, अगर वो लॉजिस्टिक्स बैकफुट पे हैं, कोई सहमति अब तक नहीं बन पाई है। उसके चलते राकेश बंसल हमारे साथ है। राकेश, आप एग्जैक्टली आज किस ट्रेड पे फोकस कर रहे हैं? आप पुल बैक का इंतजार कर रहे थे, आप लॉन्ग स्ट्राइक करने की सोच रहे थे या फिर हायर लेवल से आपने शॉर्ट्स ओपन किए थे? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, डेफिनेटली हायर लेवल पे शॉर्ट इनिशिएट नहीं करें, बट कल से ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली जरूर करिए, क्योंकि नीचे से मार्केट में एक लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड हुई हुई हैं। 8300 के ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ था, हमारे लक्ष्य 8600 के थे, वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। बट एज ऑफ नाउ भी मार्केट में बाइंग ही करनी चाहिए। अगर कहीं वीकनेस है तो वो सिर्फ आईटी स्पेस के अंदर है, और आईटी स्पेस को भी अगर आप इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह को इन स्तरों पर शॉर्ट करते हैं तो स्टॉप लॉसेस काफ़ी वाइड हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट में एज ऑफ नाउ भी डाउनसाइड काफ़ी लिमिटेड है। नीचे में 8460 एक क्रिटिकल सपोर्ट है। गिरावट पे स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के मार्केट के अंदर बाइंग करनी चाहिए। इस बीच एक बार NIIT टेक के नंबर्स को देख लेते हैं, क्योंकि नंबर्स के बाद काउंटर करीब 6% नीचे है। कंपनी का जो मुनाफा है वो गिरा है, 32 करोड़ से गिर के 21 करोड़ के आसपास ये रहा है, जबकि जो रेवेन्यू है वो रहा है 368 करोड़ के आसपास अगेंस्ट 362 करोड़ जो कि इस क्वार्टर में पिछले साल इनका मुनाफा था। लेकिन इसमें एक वन टाइम लॉस भी है जो कि कंपनी ने बुक किया है 30 करोड़ से ज़्यादा का, तो वो प्ले आउट होते हुए। बट NIIT टेक आपकी स्क्रीन पर इस समय करीब ऑलमोस्ट 4.5% नीचे। राकेश, NIIT टेक देखिए, मैं स्टॉक एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा था, और आज के सत्र में देखें तो स्टॉक के अंदर एक नेगेटिव ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। एज ऑफ नाउ जिस तरीके से इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मुझे लगता नहीं है कि किसी तरह की बॉटम फिशिंग करनी चाहिए मौजूदा स्तरों पर गिरावट पर। स्टॉक में टेक्निकली देखें तो 455-460 एक नेक्स्ट सपोर्ट जोन है, यहाँ तक गिरने का पोटेंशियल रखता है। शॉर्ट टर्म का अगर नजरिया है तो किसी तरह की बॉटम फिशिंग से बचना चाहिए, उछाल पे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। राकेश, एग्जैक्टली निफ्टी बैंक पर आपके अप्रोच क्या है? निफ्टी बैंक को देखिए, जिसने 19,000 के ऊपर कैपिटलाइज करने का एग्जैक्टली मन बनाया था, हालांकि एक बार प्लीज निफ्टी बैंक दिखाइए एग्जैक्टली किस ट्रेजेक्टरी में इस वक्त था।
18977. आई थिंक बाजार की स्टेबुलेंस का, इन्फोसिस का, टीसीएस का इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा. या तो वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था, वो भी नहीं था. टेक्निकल इम्पैक्ट था, वो भी नहीं था. कितना कंफर्टेबली 19,000 की ट्रेजेक्टरी को होल्ड कर रहा है? क्या 19,000 का कॉल का बैर बनना चाहिए इस वक्त, या फिर अभी आप थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे? वीरेंद्र, वेरी फ्रेंकली, हम तो रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे, क्योंकि 18,000 की जब नेकलाइन टूटी थी, हमने अपने क्लाइंट्स को 18,900 के लक्ष्य के लिए बैंक निफ्टी रिकमेंड किया था. वो टारगेट्स अचीव हो चुके हैं. रिट्रेसमेंट आए तो एक बाइंग की जा सकती है, एल्स अगर आप बाय करते हैं तो कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है. यही दिक्कत है, अगर इन स्तरों पे बाय करते हैं तो स्टॉप लॉसेस काफी वाइड हैं. अगर रिट्रेसमेंट के बाद चलता है तो एक नियर बाय स्टॉप लॉस मिल जाएगा. किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड करे, बट अगर नई पोजीशन लेनी है तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करना समझदारी होगी. बिल्कुल. चलिए इस बीच कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं. आज स्पेशली निफ्टी में आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो है उनको एक बार देख लेते हैं. एक तो टाटा स्टील है जो कि 4% ऊपर है. आइडिया सेलुलर करीब 3.5% ऊपर है. भारतीय एयरटेल, बॉश, एचडीएफसी बैंक और टाटा मोटर्स, ये कुछ काउंटर है. इस पे रुझान अच्छा देखने को मिल रहा है इस समय. नज़र रख सकते हैं आप इस पर. कुछ और स्टॉक्स में इंडसइंड बैंक है. इंडसइंड बैंक पर आपको राकेश क्या लग रहा है? रिजल्ट्स के बाद एक डिप जरूर देखने को मिला था, बट लार्जली काउंटर हैज नॉट रियली गॉन एनीवेयर पोस्ट रिजल्ट्स. क्या करेंगे आप इंडसइंड पर? मेरा ऐसा मानना है इंडसइंड बैंक पर मौजूदा स्तरों पर बाइंग करनी चाहिए. स्टॉक में 1095 एक क्रिटिकल सपोर्ट बना है. शॉर्ट टर्म का नजरिया बना के, अगले सप्ताह का नजरिया बना के इंडसइंड बैंक को इन स्तरों पर बाय किया जा सकता है 1095 के स्टॉप लॉस के साथ 1195 के टारगेट के लिए.